Assalamualaikum viewers, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का तारुफ। हम उसमें देखेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन एंड उसकी जो है वो ऑलमोस्ट 6 ब्रांचेज हैं, ट्रेडिशनल जो ब्रांचेज हैं उसकी क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री वो है जो है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं एंड वो ब्रांच है साइंस की। आप बेसिकली किसी को कहते हैं कि यार मैंने साइंस पढ़ी है, तो मीन्स आपने केमिस्ट्री भी पढ़ी है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। आप अगर साइंस रखते हैं केमिस्ट्री ना पढ़ें तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर आप साइंस रखते हैं तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे अभी हम केमिस्ट्री के आगे ब्रांचेस पढ़ेंगे, सेम एज इट इज़ आपको जो है वो आगे इस तरह मतलब केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी एंड उसकी ब्रांचेज भी लाजमी है। तो सेम एज इट इज़ आप साइंस रखते हैं तो केमिस्ट्री इज़ मस्ट। सो केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर क्या है? एनीथिंग हैव अ मास, वेट एंड अक्यूर स्पेस इज कॉल्ड मैटर। भाई मैटर वो है कोई सी ऐसी चीज़ जो वज़न रखे और जगह घेरे, इज़ कॉल्ड मैटर। आप कोई सी भी एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें चेयर ले सकते हैं, जैसे चेयर जो वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है, इट्स कॉल्ड मैटर। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ब्रांचेज हैं, 6 ब्रांचेज हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, इंडस्ट्रियल, बायो केमिस्ट्री। सो फर्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आप जो है वो स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल्स की। ठीक है, केमिकल में हाइड्रोजन एंड कार्बन है तो इस कॉल्ड वो कोई सी भी स्टडी होगी किसी भी केमिकल की, तो वो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप कोई से भी केमिकल करते हैं लाइक CH, कोई से भी जो है वो CH का पढ़ते हैं, तो आप जो है ना वो पढ़ रहे हैं, मींस के आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे मीथेन है, इथेन है, वो खैर उसकी अलग बात है। ठीक है, तो कोई सा ऐसा केमिकल जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है इस कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम एज इट इज़ है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप कार्बन के बारे में नहीं पढ़ते, कोई सा ऐसा केमिकल जिसमें कार्बन नहीं है और उस केमिकल को आप पढ़ते हैं तो इस कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजी है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ मेथड एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व्स टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आप कोई सा भी सब्सटेंस ले लें, उसको अगर आप डिटरमाइन कर एनालिटिकल मेथड से, वो मेथड एंड टेक्निक्स उस जो है वो इसमें आप पढ़ते हैं मेथड एंड टेक्निक्स जो एक सब्सटेंस को क्वालिटी या क्वांटिटी में डिफरेंस करती है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ मैथड एंड टेक्निक्स इन्वॉल्व टू डिटरमाइन द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। ठीक है, कोई सा भी ऐसा जो है वो मैथड एंड टेक्निक्स जो दो सब्सटेंस के दरमियान एक क्वालिटी या क्वान्टिटी को शो करे, दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप जो है वो कोई सा भी न्यूक्लियर ऑफ एटम का जो भी चेंज होता है, अगर उस चेंज के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। आप कोई सा भी न्यूक्लियर जो है वो लाइक न्यूक्लियर एटॉमिक बॉम है, तो अगर उसके भी बारे में पढ़ते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो सेम एज इट इज़ कोई सा भी ऐसा उसमें जो रेडिएशन के थ्रू चेंज हो कंपाउंड में, न्यूक्लियर ऑफ एटम के कंपाउंड में कोई सा भी चेंज हो बाय रेडिएशन से, तो दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। The branch of chemistry which deals with the study change occurring in the nuclear of atom compound emissions by the radiations. ठीक है, सेम इसी तरह है industrial chemistry. Industrial chemistry the branch of chemistry which deals with the study of chemical process of different chemical product. ठीक है, इसमें आप chemical process पढ़ते हो, like ड्रिंक जो है वो एक केमिकल से ही बनती है, एक एसिड्स वगैरह इसमें होते हैं, ऐसे सॉप है, मेडिसिन है, इसमें भी जो है वो केमिकल जो होते हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से इजी है ये भी, इतनी भी मुश्किल नहीं है। आप केमिकल प्रोडक्ट के बारे में जो पढ़ते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गई एंड बायो केमिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं मैटर,
अब उस मैटर का स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। जो जो है वो इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में भी देखें मैटर है, ठीक है। हमारा कोई से भी ऐसी जगह का लेग ले लेते हैं तो वो भी वजन रखती है, जगह गिरती है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स अ मैटर। सो सेम एज इट इज़ ह्यूमन बॉडी के कोई सा भी जेट लाइक का मैटर, वो स्ट्रक्चर उसके उसको उसको उसके बारे में पढ़ना, उसको अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। एंड द केमिकल चेंज इन द अकरिंग इन सेल्स, सेल्स में कोई सा भी चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच, ऑब्जर्वेशन होती है इसमें, हाइपोथेसिस होती है, थ्योरी होती है, एंड साइंटिफिक लॉ होते हैं। देख लेते हैं हम कि ऑब्जर्वेशन क्या कहती है। भाई देखें, ऑब्जर्वेशन सेम वो है कि आप कोई सी भी ऐसी चीज़ जो है वो आंखों से देख लें या माइक्रोस्कोप से देख लें, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। आप कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने सर्कमस्टेंसेज में, कुछ कोई सी भी चीज़ जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइक पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कमस्टेंसेज दैट एग्जिस्ट और इवेंट दैट हैव ऑक्यर्ड, ठीक है। एंड एनी थिंग विच, ये अनदर है, इन अदर वर्ड्स में है, एनी थिंग विच वी सी अंडर द माइक्रोस्कोप और विदाउट माइक्रोस्कोप। और कोई सी भी ऐसी चीज़ जो माइक्रोस्कोप या विदाउट माइक्रोस्कोप से देखें, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, सिंपल वर्ड्स में। इसके अलावा हाइपोथेसिस है भाई, हाइपोथेसिस सिंपल वर्ड्स में, अ स्टेटमेंट गिवन बाय साइंटिस्ट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है भाई, डेफिनेशन भाई, कोई सी भी स्टेटमेंट जो साइंटिस्ट दे, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। एंड थ्योरी बाय अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज बिकम अ थ्योरी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या होती है, जो भी साइंटिस्ट ने कह दिया इज कॉल्ड अ हाइपोथेसिस। अब थ्योरी उसको रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, थ्योरी में चांस टू एक्सप्लेन न्यू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल डेटास। थ्योरी में जो है वो चेंज हो सकती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, ठीक है। एक्सप्लेन न्यू, अगर कोई सा भी न्यू ऑब्जर्वेशन है तो जो है वो उसकी फिर अलग से थ्योरी होगी एंड उसमें एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। एंड आफ्टर ऑल साइंटिफिक लॉ, साइंटिफिक लॉ ये कहता है भाई, लॉ क्या हो जाता है, लॉ आप कोई सा भी जो है वो रिजल्ट बार बार करते हो एंड एक्सपेरिमेंट बार बार करते हो, ऑलवेज जो है वो सेम रिजल्ट आता है, इस कॉल्ड अ लॉ, वो लॉ बन जाता है। एंड जो समराइज करे ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो लॉ हो जाता है। इसमें पढ़ लेते हैं, व्हेन अ थ्योरी टेस्ट अगेन एंड अगेन इज प्रूव द सेम रिजल्ट इज कॉल्ड अ लॉ। अच्छा, अ स्टेटमेंट दैट समराइज रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इसको ये जो है वो लॉ, जब आपने देखा कि सेम रिजल्ट आ रहा है और वो लॉ बन चुका है, तो उसको फिर किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब जो लॉ बना दिया वो बन गया, हमने बार बार एक्सपेरिमेंट किया, लॉ बन गया, इसको किसी चीज़ की भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये लॉ बन चुका है भाई। आप जो है वो जैसे वाटर है, हाइड्रोजन जो है वो दो होते हैं, ऑक्सीजन एक होता है, तो इट्स अ लॉ, ठीक है। आप इसमें इसको किसी किस्म की जो है वो आपको एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन होगी क्या, जस्ट यही बताएंगे कि भाई दो हाइड्रोजन होते हैं और एक जो है वो इसमें ऑक्सीजन होता है, तो इसको किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है वो लास्ट पॉइंट, द स्टेटमेंट दैट समराइज रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो स्टेटमेंट लॉ वो स्टेटमेंट होता है जो ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को समराइज करे, और इसको किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक लॉ, लॉ जिसे कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, इसमें हमने आपको केमिस्ट्री की पढ़ी है एंड केमिस्ट्री की 6 ब्रांचेस पढ़ी हैं, एंड इसके अलावा हमने साइंटिफिक अप्रोच पढ़ी है जिसमें ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, थ्योरी एंड साइंटिफिक लॉ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि अब ऐसे ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।